नमस्कार, आज हम बेस्ट मूवी के बारे में बताना चाहते हैं। उसका ट्रेलर देखा तो वो मूवी देखने से लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ धर्म जागृत है। उसके देखने मात्र से पेट की तकलीफ अगर किसी को है तो कम हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी दिखाई गई है। और उस क्वालिटी से आपकी जो कुंडलनी है जब वो उठती है, ये अपने आप उठती है। जब कोई अच्छी चीज़ होती है, सच्चाई की होती है, धर्म की होती है, तो ये उठ अपने आप ऊपर को उठती है, और उठते हुए जहाँ ये पहुँचती है और शरीर में कोई तकलीफ हो उसको दूर कर देती है। तो ये मूवी देखने से भी उठती है, बात करने से भी उठती है, और जो सत्य चीज़ है, चाहे वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है, उसको पहुँचने से भी उठती है। लेकिन कई जगह ये बंद हो जाती है। तो ये आज जो परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी का इस धरती पे महाअवतार के रूप में आए हैं, उन्होंने ये आत्म साक्षात्कार दे करके हर इंसान को गुरुपद दिया है कि आप स्वयं के गुरु बने और संसार में अच्छाई फैलाएं और बुराई को समाप्त करें। अब वो समय चल रहा है, तो इसको देखने से आपके अंदर क्वालिटी आएगी और आपको अच्छा लगेगा। बच्चों में भी अच्छाई आएगी, बड़ों में भी आएगी, और देश एक उन्नति की तरफ जाएगा और दूसरे लोगों को भी आप फायदा दे सकते हैं। तो ये ऐसी मूवी अच्छी होती हैं, और ऐसे लोग अगर सभी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करके और गणेश मंत्र लेके और मूवी को तैयार करें, तो आप देखिए कि उस मूवी को देखने से पता नहीं कितने फ़ायदे होंगे, जिसकी कोई गिनती नहीं होगी। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप ये जो मूवी आप देख रहे हैं, ट्रेलर जो देखा है, इसमें धर्म का स्थान अच्छा है, और इसके देखने से आपके दिमाग की भी स्थिति अच्छी होगी। इसको आप अनुभव कर सकते हैं जब आपके हाथों पर ये ब्रह्म शक्ति आए। इसको बोलते हैं कुंडलनी जागरण, और बाइबल में इसको क्या बोलते हैं, कूल ब्रिज ऑफ द होली घोष। होली घोष मतलब जो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी को उन्होंने होली घोष बोला है। तो जब वो शक्ति आपके शरीर पर रमण करती है, और ये बहुत जो सदगुरु होगा वही इस पर चल सकता है, सबको अनुभूति होगी, लेकिन इस पर चलने के लिए हमें सच्चाई के साथ रहना पड़ेगा, ईमानदारी पर रहना पड़ेगा। और जो इंसान, चाहे वो छोटा बच्चा हो 10 साल का, 15 का, चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष हो, वो इसको देखने मात्र से ही तुरंत जजमेंट कर लेगा कि इसको देखने से हमको क्या परेशानी होगी, हमारे शरीर को तकलीफ होगी, परिवार को होगी, समाज को होगी, और देश में क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो आज जो मूवी बन रही हैं, इनको बनाने वालों को सबसे पहले आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहिए। जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको भी पहले आत्म साक्षात्कार दे करके तब ये एक्टिंग मूवी में करनी चाहिए, उससे पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। अगर बिना आत्म साक्षात्कार के हम कोई भी मूवी बनाते हैं, तो अगर आपकी स्थिति अच्छी नहीं है तो देखने वाले उस मूवी से, जो देख रहे हैं उसको देखते देखते ही उनको परेशानी कुछ ना कुछ जरूर होगी शरीर के अंदर। तो मेरी आप सब से गुजारिश है कि एक गुरु के नाते हम बता रहे हैं, और हम वो गुरु नहीं हैं कि जो पैसा कमाते हैं, हम जो सच है उसको सच ही बोलेंगे, क्योंकि ये जो ब्रह्म शक्ति हाथों पे आती है ये तुरंत बताती है। जिसके पास ये होगी और जो इसका मालिक होगा बनाने वाला मूवी का, वो भी तुरंत पहचान लेगा कि जो आज एक्टिंग हुई थी, जो मूवी बनी है, उसमें वाइब्रेशन पॉजिटिव एनर्जी है या नहीं है। अब पॉजिटिव एनर्जी से हर कार्य होगा भविष्य में। तो मेरी आप सब से दर्शकों से गुजारिश है कि आप अपने परिवार को, अपने समाज को अच्छे रास्ते पर ले जाएं, और जहां कोई गलत चीज़ है उसको छोड़ दें। बेशक उसको नहीं देखेंगे तब भी अच्छा है। कोई अच्छी बुक्स पढ़िए जिसमें ये वाइब्रेशन आपको आते हैं, ये ब्रह्म शक्ति बढ़ती है। इसको उर्दू में रूह बोलते हैं, हाथों पे रूह आएगी, और गुरु ग्रंथ में इसको सुरुति बोलते हैं, सुरुति चढ़ी कमाल पे। तो जिनके पास भविष्य में ये होगी वो ही संसार के गुरु और गुरवी होंगे। स्त्री गुरवी होती है और पुरुष गुरु रूप में होता है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप इसको देखें, अपने को खुद को ठीक रखें, सुरक्षित रखें, और अपने परिवार को सुरक्षा दें। आप सभी को धन्यवाद।